हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर के बारे में पढ़ने जाएंगे। ऑल टुगेदर ये एक वर्ड है और इसका मतलब होता है पूरी तरह से। दूसरी ओर ऑल टुगेदर ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है एक साथ। तो चलिए आज हम लोग इस फ्रेज ऑल टुगेदर के बारे पढ़ेंगे। ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। पहला एग्जांपल है, क्या आप सब एक साथ हैं? तो जब एक साथ का बात किया जाए तो हम लोग लगाएंगे ऑल टुगेदर, और इसका मतलब ये एक फ्रेज है, तो क्या होगा, आर यू ऑल टुगेदर। उसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो खिलाड़ी एक साथ गार्डन में आए, प्लेयर्स केम ऑल टुगेदर इन द गार्डन, तो एक साथ के लिए ऑल टुगेदर। नेक्स्ट एग्जांपल, इस छोटी सी कार में उन्हें एक साथ ले जाना असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल टू टेक देम ऑल टुगेदर इन दिस स्मॉल कार, तो ऑल टुगेदर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एक साथ, एक साथ के लिए ऑल टुगेदर। चलिए आते हैं अब है ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। पहला इसका एग्जांपल है, आप पूरी तरह से अलग हैं, आप पूरी तरह से अलग हैं। तो जब बात किया जाए पूरी तरह से, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल टुगेदर। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर कंप्लीटली डिफरेंट, या फिर बोल सकते हैं यू आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, या फिर बोल सकते हैं यू आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। इसी तरह अगला एग्जांपल, आप पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति है, तो इसका इंग्लिश होगा यू आर डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यू आर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन। इसी तरह एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विथ यू ऑल टुगेदर, या फिर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं हम लोग, आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विथ यू। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल सी का, उन्होंने मेरी लीव एप्लीकेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, पूरी तरह से, तो क्या होगा, ऑल टुगेदर, ही इग्नोर्ड माई लीव एप्लीकेशन ऑल टूगेदर। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको अपनी हिचकिचाहट को पूरी तरह से दूर करना पड़ेगा, तो पूरी तरह से के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑल टूगेदर का यूज करेंगे। इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन ऑल टूगेदर। तो ये चीज है ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर में डिफरेंस, ये दोनों एक जैसा नहीं है, ये दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये एक दूसरे से काफी अलग है। इसलिए आई थिंक अब से आपको जब भी ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर का बात किया जाए तो आप समझ में आ जाएगा कि किसका क्या मतलब है और कहां पे आप क्या यूज करेंगे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग। Bye, good night, and see you later.